प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांका में निर्मित रसोई गैस बॉटलिंग प्लांट एवं हल्दिया बांका एलपीजी गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी रसोई गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई। इसके लिए एलपीजी के सारे पदाधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हल्दिया से बांका तक पाइपलाइन पूरा हो चुका है। यह पाइपलाइन बरौनी होकर विभिन्न जगहों तक पहुंचने की योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांका में गैस बॉटलिंग प्लांट के चालू हो जाने से अब बिहार के 10 जिलों एवं झारखंड के 6 जिलों में रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी। बॉटलिंग प्लांट में रिफिलिंग कर गैस इन जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रसोई गैस कभी सुखी संपन्न परिवारों के लिए ही होता था, लेकिन आज बिहार के हर घर उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का मुफ्त वितरण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, प्रभारी मंत्री रामसेवक सिंह, बांका सांसद गिरधारी यादव, एमएलसी मनोज यादव, बांका एसडीएम सुहर्ष भगत, एसडीएम मनोज चौधरी के अलावे दर्जनों प्रशासनिक पदाधिकारी एवं इंडियन ऑयल के पदाधिकारी मौजूद थे। ये बॉटलिंग प्लांट जो है इसका लोकार्पण किया गया है। दुर्गापुर टू बांका तक पाइप लाइन बिछने की बात कही गई है। बड़ी राशि दिया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ से 40,000 पर डे सिलेंडर भरकर अन्य बिहार के विभिन्न जिलों सहित अन्य राज्यों में जाएगा। ये बांका का नाम रोशन हो रहा है। जितना आभार प्रकट किया जाए भारत के प्रधानमंत्री जी का उतना कम होगा। प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के माध्यम से आज जो बांका जिला में बॉटलिंग प्लांट का जो उद्घाटन किया गया, इससे हम समझते हैं कि बांका जिला ही नहीं बल्कि इसके अगल बगल के जिले में काफ़ी इससे सहूलियत मिलेगी और आम जो जनता को राहत मिलेगी। बांका के फुल्ली डुमर प्रखंड के साधपुर पंचायत अंतर्गत बजबजी गांव में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत निर्मित प्रखंड के तीसरे सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय का विधिवत उद्घाटन पंचायत के मुखिया निभा कुमारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने फीता काट कर किया। 1,80,000 रुपये की लागत से बनने वाली योजना से 16 से अधिक लाभुक लाभ उठा सकेंगे। मौके पर मुखिया ने उपस्थित लाभुकों से सरकार के स्वच्छता अभियान को अपना सहयोग देने की अपील की। मौके पर उपस्थित मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ने प्रखंड के आमजनों तक सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का भरोसा दिया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि संजय पंडित, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक अमरेश कुमार, स्वच्छताग्राही पिंकी देवी, पंचायत सचिव मोहम्मद शमसुद्दीन, उप मुखिया बाबूलाल मरांडी, आवास सहायक रविशंकर, भूतपूर्व मुखिया कैलाश बिहारी राय, समाज सेवी संजय पंडित, वन समिति अध्यक्ष उपेंद्र यादव, अरुण कुमार यादव, शिवशंकर सिंह, विद्यासागर, पप्पू यादव, विवेकानंद मांझी, सिकंदर सिंह, पिंटू यादव, छब्बो यादव समेत दर्जनों अन्य उपस्थित थे। ना कोई परमिट ना कोई लाइसेंस प्रतिबंध जुगाड़ गाड़ी की चपेट में आने से रविवार को रजौन प्रखंड के मडनी निवासी पवन शर्मा के 3 वर्षीय पुत्र भागवत कुमार की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मडनी गांव निवासी पवन शर्मा के 3 वर्षीय मासूम बच्चा भागवत कुमार अपने घर के समीप सड़क पर खेल रहा था। इसी क्रम में ट्रांसफार्मर लोडेड जुगाड़ गाड़ी महादा नपटोलिया जा रहा था। इसी बीच जुगाड़ गाड़ी ने बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद परिजनों ने जुगाड़ गाड़ी और ड्राइवर को पकड़कर रजौन पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बुरी तरह से घायल बच्चे को आनन फानन में रजौन स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया, जहां पर भाई डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। संदर्भ में रजौन थानाध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि वाहन और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। समाहर्ता बांका के आदेशानुसार पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष जब्त 96,850 लीटर शराब का निष्टीकरण किया गया। मौके पर बांका अनुमंडल पदाधिकारी अधीक्षक मद्य निषेध, अपर अनुमंडल पदाधिकारी एवं बांका जिला के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों की उपस्थिति में निष्टीकरण की वीडियोग्राफी भी कराई गई। बांका जिला के पंजवारा थाना की पुलिस ने अवैध बालू माफियाओं पर नकेल कसते हुए शनिवार की देर रात थाना के एसआई अरुण कुमार सिंह की अगुवाई में गश्ती के दौरान एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया और इसके ड्राइवर को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की पहचान क्षेत्र के कचमचिया गांव निवासी नीरज सिंह के पिता महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस जब ट्रैक्टर को थाने ले आई और ट्रैक्टर चालक तथा ट्रैक्टर मालिक पंजवारा निवासी सुनील कुमार उर्फ लड्डू को नामजद कर लिया गया है। ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने रविवार को पुलिस अभिरक्षा में बांका भेज दिया।